1996 में आज के दिन पहली बार क्लोनिंग डॉली का जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 5 जुलाई 1996 में आज के दिन डॉली का जन्म हुआ था। डॉली कोई लड़की नहीं है बल्कि एक शिप है जिसका जन्म न्यूक्लियर ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत सोमेटिक सेल से हुआ था। इस घटना को अंजाम देने वाले वैज्ञानिक इयान विलमुट, कीथ कॉम्पबेल और उनके साथी थे। डॉली 6 साल तक जिंदा रही थी फेफड़ों की बीमारी के कारण। 14 फरवरी 2003 में उसकी मौत हुई थी। उसके जीवन के दौरान डॉली ने 6 बच्चों को जन्म दिया था। डॉली का जन्म 3 भेड़ों की मदद से हुआ था। एक का बीज, दूसरे का डीएनए और तीसरे का गर्भ का उपयोग करके उसे बनाया गया था। तो क्लोन जीव के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।